हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। तो गाइस, इस लेसन में हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले कुछ और नए इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज दिस लेसन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विद फर्स्ट सेंटेंस। तुम स्कूल से क्यों भागे? Why did you run from school? Why did you run from school? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप सभी मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। All of you equally important for me. All of you equally important for me. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया था? Do you know where he went? Do you know where he went? Next sentence है, पंखा धीमे करो, means पंखा slow करो। तो इसे हम बोलेंगे turn the fan down, या फिर politely बोलना हो तो turn the fan down please, ऐसे हम बोल सकते हैं। Next sentence है, उसे मनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। It is easy for me to get her angry. It is easy for me to get her angry. Next sentence है, उसने जो कहा है उसे अनदेखा मत करो। Don't ignore what he has said. Don't ignore what he has said. Next है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। I won't let that happen. I won't let that happen. Next sentence है, ऐसा होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा। I saw it happening to my own eyes. I saw it happening to my own eyes. Next sentence है, क्या आप इसे मुझे बेचना चाहोगे? Would you like sell it to me? Would you like sell it to me? Next sentence से, बहुत प्रैक्टिस के बाद तो कोई भी ऐसा कर सकता है। Anyone can do that after a lot of practice. Anyone can do that after a lot of practice. Next sentence से, आपके साथ ये किसने किया? Who did this to you? Who did this to you? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैना कहती थी कि तुम परीक्षा पास हो जाओगे। जैसे कि हम बोलते हैं मैना कहती थी कि ऐसा होगा, या फिर मैना कहती थी कि वो आएगा, या फिर मैना कहती थी कि आज बरसात होगी। इस सेंस का ये सेंटेंस है। सो डिडंट आई टेल यू यू विल पास द एग्ज़ाम? सो डिडंट आई टेल यू यू विल पास द एग्ज़ाम? उन्हें कम आंकने की गलती मत करना। डोंट मेक मिस्टेक ओवर द अंडर एस्टिमेट देम। डोंट मेक मिस्टेक ओवर द अंडर एस्टिमेट देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट एनीथिंग फॉर फ्री। यू वॉन्ट गेट एनीथिंग फॉर फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी ने आकर मेरी सोने की चेन चुरा ली। Someone came and stole my gold chain. Someone came and stole my gold chain. Next sentence है, उन्हें कहाँ रखा गया है? Where they have been kept? Where they have been kept? Next sentence है, मुझे उस दुकान पर ले चलो। Take me to that shop. Take me to that shop. मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। I knew that you would say the same. I knew that you would say the same. Next sentence है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Next sentence है, अब तुम बच्चे नहीं रहे, means अब तुम बड़े हो गए हो। You are not a child anymore. You are not a child anymore. नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि हम बोलते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो या फिर अपना दिमाग लगाया करो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन।
नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? या फिर ऐसे भी बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? नेक्स्ट सेंटेंस है, नखरे तो देखो उसके। लुक एट हर टैंट्रम्स, लुक एट हर टैंट्रम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि हम बोलते हैं रास्ता ना पाओ, मीन्स निकल जाओ। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू डू दिस। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस से, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टॉक टू मी, देयर इज नो नीड टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे मन में क्या है? वॉट इज हियर इन योर माइंड, वॉट इज हियर इन योर माइंड। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, वहाँ कुछ चल रहा था। वॉज देयर समथिंग गोइंग ऑन, वॉज देयर समथिंग गोइंग ऑन। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमेशा यूज़ करते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस आपके ज़रूर काम आएंगे। तो जाते जाते कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।